आज हम यूनिफॉर्म पे शोल्डर लगाने का तरीका बताएंगे। ये देखिए, सबसे पहले तो शर्ट का साइज़ लेंगे। यहाँ से कंधे को मैयर कर लेते हैं। ये गला वगैरह रेडी होने के बाद लगाए जाते हैं, कंधे की सिलाई लगने के बाद। इसकी लंबाई है 4.5 इंच। 4.5 इंच की लंबाई की दो स्ट्रिप्स काटने के लिए ये देखें इस तरह से। मेरे चैनल पे ए टू जी हर चीज़ सीखने को मिलेगी, इसलिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि हर चीज़ की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। ये देखें, उसको मैयर करके निशान इधर से हम तकरीबन 1.25 इंच पे एक लंबाई रूप निशान लगाएंगे। ये देखें इस तरह से। ये अब वी शेप देते हुए यहाँ से इस तरह शेप दी, इसको काट लिया। ये पेपर पेस्टिंग का इस्तेमाल करते हुए सबसे पहले हम पेपर पे काट लेते हैं जी। ऊपर वाली साइड हल्की सी मोटी रखते हुए नीचे वाली साइड को हल्का सा बारीक रखा है मैंने, माइनर सा बारीक रखा है। ये दो पीस करने के बाद दो शोल्डर हमारे रेडी। अब इसके लिए सबसे पहले हम जिस कपड़े पे लगाने हैं वहाँ पे इसको आयरन लगा लेते हैं। अच्छे से प्रेस करने के बाद इसके साइड पे सिलाई लगाएंगे। ये देखिए सिलाई लग चुकी है। एक साइड से मैंने ओपन रखा है, साइड से कपड़ा तराशते हुए ये वाली जगह मैंने ओपन रखी थी। अब हम इसको इधर से पकड़ते हुए सीधा करेंगे हाथों की मदद से या कोई नोकदार चीज़ के साथ। बहुत आसानी से सीधी हो जाएगी, बहुत आसान तरीका है। ये तीनों साइड की नोक सुई की मदद से सीधी कर लेंगे। इसके ऊपर फिर से आयरन लगा लें। अब हमें क्या करना है, इसके किनारे पे एक पैर का एक और बखिया लगाएंगे। पैर पैर की सिलाई लगाने के बाद ये रेडी हो जाएगा। अब हमें कंधे पे जोड़ने के लिए ये देखें, ये नोक वाली साइड बिल्कुल बैन के बराबर रखते हुए इसको दोबारा से मेजर करेंगे। ये देखें थोड़ा सा एक्स्ट्रा है, इसको काट दिया। अब बिल्कुल सिलाई के बराबर रखते हुए और सेंटर बनाते हुए यहाँ पे एक सिलाई, ये देखें सिलाई लग चुकी है। अब हमें शर्ट को उल्टा करने के बाद जैसे बाजू लगाए जाते हैं इसके साथ अब हम बाजू अटैच कर लेंगे और ये सिलाई बाजुओं के साथ आसानी से ये शोल्डर अटैच हो जाएंगे। ये देखें इस तरह से चारों तरफ सिलाई लगाने के बाद ये देखें अब शोल्डर लग चुके। शर्ट को सीधा कर लिया, इधर बटन लगा लिया काज करवाने के बाद। ये देखें हमारा रेडी हो चुका। वीडियो अच्छी लगे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें।